जिले की रायपुर पंचायत समिति में महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से वितरित किए जा रहे स्मार्ट मोबाइल फोन के डाटा लीक होने का मामला सामने आया है। शिविर में तैनात कर्मचारी की लापरवाही के चलते लीक हुए डाटा से उसके दुरुपयोग होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि प्रकरण के सामने आते ही हरकत में आए जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू की और ब्यावर एडीएम मृदुल सिंह को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी सिंह ने रायपुर पहुंचकर अपने स्तर पर जांच शुरू की और शिविर में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। जांच के बाद जांच अधिकारी सिंह द्वारा इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देने की भी जानकारी मिली है, लेकिन इस संबंध में जिला कलेक्टर की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार ब्यावर जिले की रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में स्मार्टफोन वितरण शिविर में लगे कर्मचारी एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वो सूची अपलोड कर रहे हैं जिन्हें अगले दिन स्मार्टफोन वितरित किया जाना है। इस सूची में महिलाओं के नाम, मोबाइल नंबर, पता, जन आधार नंबर जैसी जानकारियां है। जानकारी मिली है कि अब तक 10,000 महिलाओं की जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि भीड़ कम करने और लाभार्थियों को सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से वितरण से एक दिन पहले इस सूची को सार्वजनिक किया जा रहा था, लेकिन लीक हुए डाटा से उसके दुरुपयोग होने की आशंका बढ़ गई है, जो कि एक गंभीर बात है। उधर जानकारी मिली है कि रायपुर में चयनितों की सूची जारी होने के बाद भी शिविर में लाभार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। शिविर में अव्यवस्थाओं का आलम है, परेशान महिलाएं इधर उधर चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सोमवार को रायपुर से हमारे सहयोग सुनील तोशावड़ा ने शिविर में पहुंचकर जाने वाले के हालात व महिलाओं से बातचीत की। फोन मैसेज है आप रहे? हमको 1 तारीख से एक्समस है, 1 तारीख को दूसरी पंचायत घुस गई उसमें, और प्लस अब आएंगे, अब कल भी दूसरी पंचायत है, 15 दिन 15 पंचायत निबड़ेगी, तो फिर सर हमारा नंबर कब आएगा? 15 दिन के बाद गेम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर। साइन कर दिया और फिर हम वापस आएंगे, हम वापस बुलाएंगे, फिर वापस जाएंगे। 1 तारीख से नंबर था, दूसरी पंचायत की भी 21 तारीख को मेरे फोन में मैसेज आएगी, आपको फोन मिलेगा पुलिस की तरफ से, पर अभी आज 4 तारीख हो गई है, मैं फोन लेने के लिए आई तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं देंगे, केवल तहसील के अनुसार देंगे, गांव के अनुसार देंगे, लेकिन हमें गांव का बोला ही नहीं कि पहले कि गांव के अनुसार देंगे, और यहाँ आए और पिपार से आई हूँ मैं और पाटन की हूँ। राखियां ही राखियां, पटेल राखी वाले पेश करते हैं राखियों की विशाल रेंज के साथ। आप पाए डायमंड राखी, चूड़ा राखी, कलकत्ता राखी, चंदन की राखियां, चांदी की राखी, भैया भाभी की जोड़ा राखी और बच्चों की आकर्षक राखियां, जिसमें टेडी बियर राखी, घड़ी राखी, कार राखी व अन्य फैंसी राखियां कई डिजाइनों में उपलब्ध है। तो आज ही चले आइए पटेल राखी पर, लाल प्याऊ के पास, पाली बाजार, ब्यावर। कॉन्टेक्ट नंबर 9461275814।